वो उसी समय था 2001 में जब मेरी पंचायत में भूख की मौत की रिपोर्ट आया था और कई जगह से आया था, और उस समय भी सरकार के गोदाम में 50 लाख टन गेहूं और चावल सड़ रहा था। तो ये सब सुनते हुए देखते हुए हम बैठे थे और कॉलेज गंसाल्वेस भी थे उस समय जो उच्चतम न्यायालय के वकील है, तो हम तीनों बैठ के तय किया कि ऐसा नहीं चलेगा और उच्चतम न्यायालय जाएंगे, इसका एतराज करेंगे और अनाज बांटने का आदेश निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसी से सब अभियान शुरू हुआ है। कुछ आदेश मिले हैं जिनका फायदा लेकर हम कोशिश किए हैं कि बच्चों को मिड डे मील मिले, पीडीएस में सस्ता अनाज मिले, तो थोड़ा सा छोटे मोटे जीत हुए हैं। और रोजगार गारंटी कानून भी उसी अभियान से निकला है, तो अभी तक कुछ कुछ जीत हुए हैं लेकिन आगे और बहुत बाकी है। और खास करके इस साल में हम एक संपूर्ण खाद्य सुरक्षा अधिनियम मांग रहे हैं, तो इसलिए आज न सिर्फ कोटरा से लेकिन देश से अलग अलग कोने से झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में लोग यात्रा निकाल रहे हैं। कोई पटना पहुंचेगा, कोई रांची पहुंचेगा, कोई रायपुर पहुंचेगा, हम लोग कल उदयपुर पहुंच के आगे बढ़ के जयपुर पहुंचेंगे और अंत में सब लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और आप याद रख लीजिए कि 2006 में इस तरह का एक यात्रा भी निकला है उदयपुर होते हुए, यहाँ तो शायद नहीं आए थे लेकिन उदयपुर से निकले थे, वो था क्या नाम था उस यात्रा का, किसी का याद नहीं है? हाँ, रोजगार अधिकार यात्रा। रोजगार अधिकार यात्रा 2 महीने तक चला, उदयपुर दिल्ली, उदयपुर फिर वहाँ से गुजरात, वहाँ से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर अंत में दिल्ली पहुँचे। और उस यात्रा को पहुँचने के 2 महीने के अंदर रोजगार गारंटी कानून मिला है। रोजगार गारंटी कानून बहुत बढ़िया नहीं है, हमको पता है कि मजदूरों को अभी भी काफ़ी समस्या है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, किसी को टाइम पर मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो अभी भी काफ़ी समस्या है। लेकिन कम से कम लड़ने के लिए अपने हाथ में एक हथियार है, क्योंकि कानून को कोई मना नहीं कर सकता है। कानून का मतलब ये है कि अगर कानून कहती है कि वीडियो को आपको 100 दिन का काम देना है तो उनको देना ही देना है। आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे तो हमको काम नहीं मिला, तो आपको मना नहीं करेंगे, आपको कहेंगे हाँ हाँ तुरंत करें। बाद में कितना करेगा कितना नहीं करेगा वो अलग बात है, मतलब हमको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपको मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि कानून उनके ऊपर उनके सिर पर है, उनको मालूम है कि हम कानून नहीं पालेंगे तो फाइन या जेल का सजा होगा। तो उसी तरह हम इस साल में एक संपूर्ण खाद्य सुरक्षा अधिनियम मांग रहे हैं, और खास करके उसका एक मांग बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है, उसको समझने के लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपका अनाज अभी तक पड़ा है और 10 साल पहले 500 लाख टन की बात थी, अब 800 लाख टन की बात है। अब इतना अनाज, आप ये समझिए इतना अनाज गोदाम में पड़ा है कि अगर एक बोरी एक के ऊपर करेंगे तो इस रेखा को लेकर आप शाम तक पहुँच सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। मतलब इतना अनाज पड़ा है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कहाँ रखें, क्या इसको जानवरों को खिलाएं, बाहर बेचें, समुद्र में फेंक दें या क्या करें, इस तरह का स्थिति है। तो ये बिल्कुल चल नहीं सकता है। दूसरा हम कह रहे हैं कि सबको बांटा जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप ईमानदारी से बोलिए, यहाँ बैठे हुए लोगों में से बीपीएल कार्ड किसके पास है, आप उठाइए, हाथ उठाइए, जिसके पास बीपीएल कार्ड है, बीपीएल वाले, इसका रंग क्या होता है? और स्टेट बीपीएल पीला। हाँ, पीला या गुलाबी कार्ड किसके पास है, हाथ उठाइए। आप ये देख रहे हैं, मुश्किल से आधे लोग के पास है और आधे लोग के पास नहीं है। ये पूरा देश की स्थिति है जो गरीब, और ऐसे नहीं है कि हमारे बीच में यहाँ कोई अमीर लोग बैठे हैं, यहाँ अमीर लोग देख रहे हैं, दिखते हैं कोई? हमको नहीं दिखते, कुछ ज्यादा गरीब है कुछ कम गरीब है, लेकिन सबको खाद्य सुरक्षा की जरूरत है। सबके घर में कुछ समस्या हो सकता है, सबके घर में भूख हो सकता है, या कल कोई बीमार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे तो अनाज घर में नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। सबके पास कम से कम सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा अनाज होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बीपीएल का नाटक बंद करो, ये लोगों को बांटने के लिए है, ये कंजूसी की बात है,
सबको काट दो और सबको पर्याप्त अनाज सस्ते में दे दो। और अब ये तय है कि जिन राज्यों में इस तरह का व्यवस्था चालू किया गया, जैसे तमिलनाडु देखें, तो तमिलनाडु में हर परिवार के पास राशन कार्ड है, सबके पास है, जितना गरीब हो जितना अमीर हो सबके पास राशन कार्ड है। और उसी के कारण वहाँ सबको टाइम पर अनाज मिल रहा है, वहाँ इधर उधर अनाज नहीं जा रहा है, क्योंकि सब लोग मिल के संघर्ष कर रहे हैं, अमीर लोग भी गरीब लोग भी, सब लोग चाहते हैं कि अनाज टाइम पर मिल जाए। इसलिए पूरा व्यवस्था पर इस तरह का दबाव हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं एपीएल बीपीएल बंद करो, सबको अनाज दो। बस इतना कहते हुए और एक नारा लगाते हुए हम लोग, एक्चुअली हमको मेरी जाने का वो प्लान था, लेकिन हम थोड़ा देर पहुंचे हैं, इसलिए आप अभी निकाल के मेरी पहुंच जाएंगे, लेकिन कल फिर से आपके साथ उदयपुर रहेंगे। तो ये नारा हम फिर से एक बार बोलेंगे, भूखे पेट भरे गोदाम अन्याय है, नहीं क्या अब अन्याय है अपराध है, भूखे पेट भरे गोदाम, भूखे पेट भरे गोदाम अन्याय है अपराध है, भूखे पेट भरे गोदाम।